हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मोबाइल ट्रिक्स पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोबाइल के एक प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, इस मोबाइल फोन पर क्लिक करने की अगर किसी भी होल्डर पर क्लिक करूँ, यहाँ पर देखिए ऐसे तरह बोल रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या आपका मोबाइल फोन पर दोस्तों ऐसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ पर देखिए, मोबाइल ऑटोमेटिकली बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप जस्ट 1 मिनट पे ही इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, क्या अगर आपका मोबाइल फोन पर भी ऐसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है तो आप 1 मिनट पे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। आज का इस वीडियो देखने के बाद आपका मोबाइल फोन पर कभी भी अगर ये प्रॉब्लम आए तो आप खुद इस प्रॉब्लम को 1 मिनट पे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर मेरा हाथ पर देखिए एक वीवो फोन है और यहाँ पर इस मोबाइल फोन पर ये प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल ही यहाँ पर देखिए, मैं किसी फोल्डर पर क्लिक करूं तो यहां पर ऐसी तरह बोल रहा है, मोबाइल ऑटोमेटिकली बोल रहा है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है आप वीडियो पर फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको ऐसी तरह दो उंगलियां आपको ऐसी तरह करना है और दो उंगलियां आपको ऐसी तरह मोबाइल का स्क्रीन पर ऐसी तरह लाना है। यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस मोबाइल फोन पर जिस पर भी आपको क्लिक करना है ऐसी तरह डबल टैप आपको करना है। तो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल फोन का जो सेटिंग ऐप है, आपको अपना मोबाइल फोन का जो सेटिंग है आपको सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों देखिए, ऐसी तरह सेटिंग्स पर सबसे पहले एक बार क्लिक करना है और बाद में ऐसी तरह सेटिंग्स पर एक से दो बार ऐसी तरह क्लिक करना है। दोस्तों, दो बार क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज आपका सामने में बिल्कुल ही आ जाएगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपको ऐसी तरह दो उंगलियां एक करना है और ऐसी तरह दो उंगलियां से ऐसी तरह तानना है इस पेज को। यहाँ पर देखिए, इसी तरह तानना है और यहाँ पर आपको इस पेज का भी थोड़ा सा आपको इसका नीचे जाना है और यहाँ पर जाने वक्त यह ऑप्शन दिखाई देगा मोर सेटिंग्स। आपको इस ऑप्शन पर सबसे पहले तो एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, एक बार ऐसी तरह क्लिक करना है, फिर आपको एक जल्दी जल्दी ऐसी तरह दो बार क्लिक कर देना है। दो बार क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज आपका सामने में आ जाएगा ऐसी तरह। तो दोस्तों, इस पेज पर आने के बाद दोस्तों इसी तरह दो उंगलियां करना है और आपको इस पेज का थोड़ा सा नीचे जाना है, पूरा इस पेज का नीचे जाना है। दोस्तों इसी तरह दो उंगलियां से ऐसी तरह इस पेज का थोड़ा सा यहाँ पर पूरा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर देखिए, एक्सेसिबिलिटी पर सबसे पहले तो आपको एक बार क्लिक करना है ऐसी तरह। एक्सेस एक बार क्लिक करने से नहीं होगा, आपको फिर आपको जल्दी जल्दी दो बार क्लिक करना है ऐसी तरह। जल्दी जल्दी इसी तरह दो बार क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ जैसा। दोस्तों ऐसी तरह करने के बाद दोस्तों आपका सामने में ये पेज आ जाएगा। दोस्तों इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट और यहाँ पर इस प्रॉब्लम को दोस्तों इसी तरह ये बोलने वाला, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा टॉल बैक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आते ही यहाँ पर बीच में एक ऑप्शन दिखाई देगा टॉल बैक। यहाँ पर देखिए, इस टॉल बैक पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो एक बार आपको क्लिक करना है, फिर आपको इसी तरह जल्दी जल्दी दो बार क्लिक करना है और टॉल बैक को इसी तरह दो बार क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक पेज आ जाएगा आपका सामने में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर टॉल बैक यहाँ पर बिल्कुल ही अलाउ हुआ दिखाई देगा, ये बिल्कुल ही इस टिक को अलाउ दिखाई देगा। इस पर आपको सबसे पहले तो एक बार क्लिक करना है और फिर आपको इसी तरह दो बार इस पर आपको क्लिक कर देना। दो बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आएगा स्टॉप टॉल बैक और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है एक बार, फिर आपको दो बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑफ करने के बाद दोस्तों देखिए आपका मोबाइल फ़ोन पर ये बोलने वाला प्रॉब्लम बिल्कुल ही हट जाएगा। मेरा मोबाइल फ़ोन पर जो प्रॉब्लम था ये बिल्कुल ही सॉल्व हो चुका है। दोस्तों इसी तरह बहुत ही आसानी से आपका मोबाइल फ़ोन को इसी तरह बोलने वाला इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं जस्ट 1 मिनट पे ही। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को आपका दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।